तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वो आज समथिंग आदमी बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, इस वक्त आप ये जो प्लांट्स देख रहे हैं, ये टमाटोज के ये प्लांट हैं और आपको उसमें हरे हरे जो नज़र आ रहे हैं ये तमाम ही हैं, ये टमाटोज हैं। इनमें बनने का सिलसिला शुरू है और साथ साथ है मेरे रूफ ऑफ गार्डन में ये येलो येलो जूसी जूसी हैं। ये जो लेमन्स हैं जैसे मोटे मोटे आप देख रहे हैं, ये भी इनका हार्वेस्ट का इनका भी है सिलसिला शुरू है, जहाँ के विंटर की वेजिटेबल्स हैं लगने का सिलसिला शुरू है। इसी तरह स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि हर साल है मैं रनर्स के जरिए ग्रो करता हूँ, इनमें भी है नए नए जो लीव्स हैं निकलने का सिलसिला शुरू है। और जिस तरह मेरे गर्लफ्रेंड्स है टमाटोस, इनका बनने का सिलसिला शुरू है। उसी तरह तमाम ही जो वेजिटेबल्स हैं मेरे रूफ टॉप गार्डन में जो लगी हुई हैं उनका भी है, चाहे वो विंटर की हों चाहे वो पिछले साल की हों, उनकी भी केयर का सिलसिला है वो शुरू है। और आज की मेरी वीडियो, इस वक्त आप जो टमाटोस देख रहे हैं, आपको कुछ तो आपको टमाटोस से नज़र आ रहे होंगे जो बने हुए हैं, आप कहेंगे अभी तो ये टमाटोस हैं, ये कहाँ कब के टमाटोस इन्होंने लगाए हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ विंटर के हैं और कुछ पहले की वेजिटेबल्स हैं जो कि मेरे रूफटॉप गार्डन में चल रही हैं। इसी तरह जैसे ये देखें पौधा मेरी, ये प्याज मैंने लगाया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वो हर कोई अपने घर में जो भी उनके उनके लिए होती है स्पेस होती है इसके मुताबिक उनको एडजस्ट करते हैं। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, मेरे पास जो टमाटोस हैं इसमें, ये जो टमाटोस हैं इसमें नॉर्मली चेरी टमाटोस हैं, इसमें मेरे पास तीन वराइटीज के चेरी टमाटोस हैं, येलो है, ब्लैक है और रेड चेरी टमाटोस है। ये जो छोटे छोटे आप प्लांट देख रहे हैं ये सारा तमाम ही ये विंटर के ये चेरी टमाटोस लगे हुए हैं। और ये जो टमाटोस इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटोस हैं, ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स मैंने ये अप्रैल में ये लगाए थे, ये सीड्स के जरिए हमारे ये लोकल टमाटोस हैं, जस्ट है जो लोकल टमाटोस हैं, बाद में ये बड़े बड़े होके रेड रेड है, मोटे मोटे हो जाते हैं। अभी भी देखें आपको बिल्कुल हरे हरे मोटे मोटे हैं। और नीचे है अभी यही इसी बकेट में है दो और पौधे हैं और उनमें है ये फ्लावर्स हैं, अभी देखें इनका बनने का सिलसिला शुरू है। और फ्लावर्स बनने के बाद इनमें भी है अभी, फॉर एग्जाम्पल है जैसे आप देख रहे हैं टमाटोस हैं, इनमें भी है फ्लावर ड्राई आउट होने के बाद है, इनमें भी टमाटो अभी बन रहे हैं। और तीन पौधे हैं ये लोकल हैं, बकेट्स में है, एक बकेट में लोकल मैंने टमाटोस लगाए हुए हैं, टमाटोस भी आपको नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स भी सिलसिला शुरू है। और इस तरफ आते हैं तो मेरे घर से ये चेरी टमाटोस हैं, ये ब्लैक चेरी टमाटोस हैं, और इन्हीं चेरी टमाटोस में भी देखें आप, इनमें भी फ्लावर्स हैं, बनने का सिलसिला स्टार्टअप है। और इनमें जो चेरी टमाटोस हैं ये छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे लोकल टमाटो है, लेकिन इनका कलर है डिफरेंट होता है। और बहुत ही ये भी जूसी टमाटोस होते हैं। और कुछ टमाटोस हैं अभी इसमें कुछ अभी जिनकी ग्रोथ है कई को बहुत हेल्थी बुशी स्टार्टअप होगी हुई है, खासतौर पे जो बड़े बकेट्स में लगी हुई हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल है ये येलो चाई टमाटोस हैं, ये अब ये भी प्लास्टिक की बड़ी बकेट में लगे हुए हैं और इन पे भी है ग्रोथ है, इनकी भी हेल्थी बुशी है, स्टार्टअप है, जैसे कि ये से देखते हैं। और कुछ अभी है अभी छोटे छोटे हैं, अभी बाकी हैं जिनमें अब उम्मीद है कि सारे के सारे मेरे घर में ये सिलसिला अप्रैल तक चलता है। इवन से बार दफ़ा तो मेरे अपने चेरी टमाटोस हैं नीचे शिफ्ट आउट कर देता हूँ बाद में अपने सहन में, और वहाँ भी ये जून तक चीज चलते हैं। तो मेरे घर से ये थोड़ी सी आज की मैंने वीडियो से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था अपने, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के मेरे विंटर के ये फ्लावरिंग प्लांट की है प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, उस तरफ मेरा कॉर्नर है, सारा का सारा मेरे बल्ब्स नज़र हैं उस तरफ हैं। तो यहाँ ये मेरा जो कॉर्नर है वेजिटेबल का है, इसमें डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं मैंने जो घर ही में है इजीली है जो दस्तयाब हैं जो आप लगा सकते हैं वो मैंने लगाई हुई हैं। और जहाँ तक इसकी फर्टिलाइज का तारुक है तो मेरे गार्डन अभी तक मैंने इसमें गोबर की खाद उसमें पहले डाली हुई है, और उसके बाद है DAP और NPK है वो लिक्विड फर्टिलाइजर एक दफ़ा इनको अभी दी है। और फर्दर अभी मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस ये है कि ज़रा गुड़ाई है, ज़रा सीजनल मैं इसकी करता हूँ, मतलब कि हर वीकेंड पे है इनकी गुड़ाई होती है। और बड़े बड़े जो लीव्स हैं ख़ास तौर पर है इसको मैं नीचे से ख़त्म करता हूँ, जैसे ये देखें अभी टमाटोस आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है कि नीचे से आप देखें बिल्कुल एक ही टहनी स्मूथ टहनी है, बाकी नीचे से जितने भी लीव्स हैं या जिसमें बनते हैं साइड्स में
यहाँ से जैसे ही लीफ निकला, यहाँ से ब्रांच निकलेगी, वो शक्कर कहलाता है। तो वो सारी की सारी मैं नीचे से तकरीबन 2 से 3 इंच तक है ये सारी मैं उतार देता हूँ, और एक स्टिक से मैंने बांधा हुआ है ताकि किसी किस्म के कोई फंगस, किसी किस्म का कोई है, किसी कीड़े का अटैक है, ख़राब ना हो, जो कि प्लांट्स ना ख़राब करें। तो जितना प्लांट्स की केयर करेंगे मेरे गर्लफ्रेंड साहब, तो रिजल्ट भी आप उसी तरह का ये हासिल करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की ये वीडियो जो टोमेटोज की है, इनकी ग्रोथ के हवाले से, इनकी केयर के हवाले से ये पसंद आएगी। बाय फ्रॉम वाजेश सोमसिंगार।